दोस्तों आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ रक्षाबंधन स्पेशल, एक नहीं दो नहीं पूरे 6 ऐसे टेस्टी हेल्दी लड्डुओं की रेसिपी जिनको आप बड़ी आसानी से अपने घर में बनाकर तैयार कर सकती हैं, वो भी बहुत कम समय में। और इनको बनाना बेहद आसान है, खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं और इसी के साथ साथ ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होने वाले हैं। तो इस तरीके से आप इन लड्डुओं को एक बार ज़रूर बनाकर देखना। इनको हम बनाएंगे, कुछ तो लड्डू बनाएंगे बिना चाशनी के और कुछ को बनाएंगे चाशनी के साथ। तो बने रहे वीडियो में, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की रेसिपी को। सबसे पहले हम बनाएंगे चना दाल के टेस्टी और हेल्दी लड्डू, जिनको बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है और खाने में इतने ज़्यादा टेस्टी लगते हैं ना कि जैसे आप मार्केट से बूंदी के लड्डू खरीद कर लाते हैं। जिसके लिए हम लेंगे सबसे पहले 1 कप चना दाल। तो चना दाल को ना हमने 7-8 घंटे भिगो कर रख दिया था, इसका हमने पानी निकाल दिया है और दाल को ले लिया है। अब लेंगे हम एक मिक्सी का जार और जार के अंदर ना ये दाल सारी जो है हम डाल देंगे। और डालने के बाद इसमें हमें पानी वगैरह कुछ नहीं डालना है, बिना पानी के ही इसका हमें पीस लेना है। तो देखिए हमने पीस लिया है, दरदरी सी हमारी दाल पीसकर हो गई है तैयार। इसी तरीके से आप भी इसको पीस लें। बहुत ही ज़्यादा हेल्दी लड्डू हैं। तो अब रखेंगे हम सबसे पहले गैस पर एक कढ़ाई और कढ़ाई में हमें डालना है 1/2 कप देसी घी। आप भी इन लड्डुओं के लिए देसी घी का ही यूज करें और घी को अच्छे से गर्म होने देंगे। अब जो ये हमने दाल बनाई है ना पीस कर, इसमें से हम छोटे छोटे पकौड़ी के टाइप से दाल को उठाएंगे, थोड़ी थोड़ी लेंगे और तेल के अंदर डालते रहेंगे इस तरीके से, जैसे हम पकौड़ी बनाते हैं ना। ये देखिए हमने इसमें डाल दिया है। अब इनको छेड़ेंगे नहीं, थोड़ी देर तक जब नीचे से सिक जाएंगे पलट देंगे। और इसको देखिए हमने पलटते पलटते हुए अच्छा सा क्रिस्पी और गोल्डन कलर आने तक हमने इसको फ्राई कर लिया है। बस इतना ही हमें इसको फ्राई करना है। तो इस तरीके से ये देखिए कितनी बढ़िया हमारी ये पकौड़ी सी लग रही है ना, जैसे दाल की पकौड़ी होती है। इस तरीके से हमें इसको बना लेना है और बनाकर इसको रख लेंगे प्लेट में। सारी पकौड़ी ऐसे ही बनाकर हमने तैयार कर ली है। इस तरीके से इनको ठंडा कर लिया है और ठंडा होने के बाद ना इनको हम ऐसे टुकड़ों में तोड़ लेंगे। देखिए छोटे छोटे इनके हमें टुकड़े कर लेने हैं, ठंडा करने के बाद ही करें। ये देखिए सारी पकौड़ियों को हमने ऐसे तोड़कर प्लेट में रख लिया है। बहुत ही आसानी से बनकर तैयार हो जाती है। अब इन्हें मिक्सी के जार में डालकर हमने बना लिया है इस तरीके का इसका पाउडर, दरदरा सा पाउडर बना है। अब कढ़ाई लेंगे, वापस से जो घी बच गया था ना इसमें, उसी घी का हम यूज करेंगे और अलग से घी नहीं डालेंगे। और ये जो पाउडर हमने बनाया ना दाल का, इसको इसके अंदर डाल देंगे और इसको लगातार चलाते हुए हमें अच्छे तरीके से भूनना है बढ़िया सी खुशबू आने तक। गैस को रखें लो और लो फ्लेम पर इसको भूनें। अब थोड़े से हमने लिए हैं नट्स, जिसमें हमने थोड़े से खरबूजे के बीज लिए हैं, किशमिश लिया है, बादाम लिए हैं और पिस्ता लिए हैं। इन सभी को हम डाल देंगे इसी के साथ में, ताकि ये भी अच्छे से इनका कच्चापन निकल जाए और दाल के साथ में बढ़िया तरीके से ये भून जाए। तो इस तरीके से लगातार चलाते हुए इनको भून लेंगे, प्लेट में निकाल लेंगे। अब वापस से कढ़ाई को रखेंगे गैस पर। इसमें डालेंगे हम 1 कप भरकर चीनी और चीनी के साथ साथ 1/2 कप डाल देंगे पानी, इलायची का पाउडर डाल देंगे और इसमें अच्छा सा उबाल आने देंगे। थोड़ा सा डाल देंगे कलर के लिए ऑरेंज फूड कलर, ये ऑप्शनल है, आपको अच्छा लगे तो डाल दें नहीं तो रहने दें। इससे ना बस कलर बहुत बढ़िया आएगा और देखने में बिल्कुल मार्केट की तरह लगेंगे। देखिए चिपचिपी सी हमने इसकी चाशनी बनाकर तैयार कर ली है। अब ये जो हमने मिक्स बनाया था ना लड्डू वाला, इसको हम डाल देंगे इसी में और इसको लगातार चलाते हुए हमें अच्छे से पका लेना है बिल्कुल डोसा बनने तक। ये देखिए इसको हमने सूखने तक, चाशनी सूख गई है, पका लिया है, बाउल में निकाल कर हमने इसको कर लिया है ठंडा। अब ठंडा करने के बाद हाथों में लेंगे थोड़ा थोड़ा मिक्स और इस तरीके से लड्डू बनाकर तैयार करेंगे। ये देखिए कितनी आसानी से हमारे लड्डू बनकर तैयार हो जा रहे हैं। ये देखिए इसी तरीके से सारे लड्डू बनाकर तैयार करेंगे। यकीन मानिए इतने टेस्टी लड्डू है ना, एक बार जिसको खिलाएंगे ना वो खाता ही रह जाएगा। तो ये लीजिए इस तरीके से सारे लड्डू हमने बनाकर रख लिए हैं प्लेट में, लड्डू तैयार हैं। बहुत ही हेल्दी लड्डू हैं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हैं। इस तरीके से आप इन लड्डुओं को इस रक्षाबंधन पर जरूर बनाकर देखना। चलिए शुरू करते हैं अपनी अगली रेसिपी को, जो है ये पोहे के लड्डू। जी हाँ दोस्तों, इनको हमने बनाया है पोहे से। बनाने में बहुत ही ज़्यादा आसान है और टेस्ट तो आप इनका पूछिए ही मत, बहुत ही ज़्यादा शानदार लगता है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं इन लड्डुओं की रेसिपी को, जिसके लिए हम लेंगे आज ये 2 कप भरकर हमने लिया है पोहा, 1 कप हमने ले ली है कच्ची मूंगफली, साथ ही में हमने लिया है 1/2 कप नारियल का बारूदा। पोहे को हमने छलनी से छान कर लिया है, क्योंकि आपको पता है इसमें हल्की फुल्की डस्ट होती है, तो आप भी इसको छान कर ही लें। और इन सब की मेजरिंग के लिए हमने आज ये कप यूज किया है। आप कोई कप या कटोरी सेट कर लें, उसे से सारी मेजरिंग करें। तो अब हमें रखनी है गैस पर एक कढ़ाई, कढ़ाई में हमें कुछ भी घी या ऑयल कुछ नहीं डालना है, खाली हम इसको इसमें डाल देंगे पोहा। पोहे को ना हमें ड्राई रोस्ट करना है, ताकि इसका कच्चापन निकल जाए, ये थोड़ा खिला खिला सा हो जाए, क्योंकि हमें इसका पाउडर बनाना।
तो लो फ्लेम पर लगातार चलाते हुए आप इसको अच्छे से रोस्ट कर लें, ड्राई रोस्ट ही करें, घी या तेल ना डालें। तो इसको हम रोस्ट कर लिया है, निकाल लेंगे इसको हम एक बाउल के अंदर, ठंडा कर लेंगे, वापस ये रखेंगे कढ़ाई को। कढ़ाई में हमें डाल देनी है मूंगफली, मूंगफली को भी हमें ड्राई रोस्ट करना है। तब तक इसको मीडियम फ्लेम पर भुनेंगे तब तक कि इसका छिलका ना उतरने लगे, इसमें से अच्छी सी खुशबू ना आने लगे। हाई फ्लेम पर इसको बिल्कुल भी रोस्ट ना करें, नहीं तो ये जल्दी ही जलने लगती है। तो इस तरीके से निकाल लेंगे इसको एक बाउल के अंदर, वापस से रखेंगे एक कढ़ाई, और कढ़ाई में अभी भी हमें घी या तेल नहीं डालना है। जो नारियल का बारूदा हमने लिया था ना, उसको भी हम डालकर ड्राई रोस्ट कर लेंगे ताकि इसका भी कच्चापन पूरे तरीके से निकल जाए। तो इन सभी को हमने ड्राई रोस्ट कर लिया है और निकाल कर ठंडा कर लिया है। अब ये सारे पूरे तरीके से ठंडे हो चुके हैं, ठंडा करने के बाद ही आप भी इनको ग्राइंडर जार में डालकर पीस लें, इनका पाउडर बना लें। तो सबसे पहले अब लेंगे हम ग्राइंडिंग जार, इसमें डाल दिया हमने पोहा, पोहे को हमने इस तरीके से पीस लिया है। अब इसमें डाल देंगे कच्ची मूंगफली जो हमने ड्राई रोस्ट कर रखी थी ना, सारी मूंगफली इसी के साथ में हमें डाल देनी है, क्योंकि इनको हम एक बार और अच्छे से चलाकर पीस लेंगे। सारा नारियल का बारूदा डाल देंगे, इलायची का पाउडर डाल देंगे और इन सभी को हमें अच्छे से हम पीस कर लेंगे तैयार। अब हमने लिया है एक कप गुड, और गुड़ को भी इसी के साथ हमने पीस लिया है, बाउल में निकाल लिया है। अब हम डालेंगे कढ़ाई में, डालेंगे 4 चम्मच देसी घी। 4 चम्मच देसी घी का ही यूज कर रही हूँ। ये हमने थोड़े से नट्स लिए हैं, नट्स को हम डाल देंगे इसी घी के अंदर। ये आप अपनी पसंद से कोई भी ले सकती हैं, जो आपको पसंद हो उसको आप ले लें। इनको हम रोस्ट करने के बाद डाल देंगे इसी मिक्स में जो हमने बनाया लड्डू के लिए। स्पैचुला से इसको अच्छे से मिलाएंगे, पूरी तरीके से हमें मिला लेना है हाथों से, बिल्कुल लड्डू बनने तक का इसका डो बना लेंगे। इस तरीके से देखिए हमारा जो मिक्स है वो तैयार है, अब इसके लड्डू बनाएंगे। इस तरीके से अगर आपको लगे रूखा रूखा हो रहा है तो आप इसमें देसी घी डाल सकती हैं। तो इस तरीके से लड्डू बना लेंगे, देखिए कितने बढ़िया लड्डू बनकर तैयार हुए हैं। सारे लड्डू बनाकर ऐसे ही प्लेट में रख लेंगे। तो ये लीजिए सारे लड्डू हमने बनाकर प्लेट में रख लिए हैं, लग रहे हैं ना कितने शानदार, टेस्ट तो इनका बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है, और कोई देख कर बता भी नहीं सकता कि इसको हमने पोहे से बनाया है घर में, वो भी बिना चाशनी के। टेस्ट इसका बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। इस तरीके से रक्षाबंधन पर आप इसको ज़रूर बनाइए। तो चलिए अब शुरू करते हैं अपनी अगली रेसिपी को, जो है ये नारियल के लड्डू। नारियल तो वैसे भी हमारी सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, बहुत ही ज़्यादा फाइबर होता है इसमें, तो इसके लड्डू तो आपको बनाने ही चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं इन लड्डुओं को बनाना, जिसके लिए सबसे पहले हम लेंगे 3 कप भरकर नारियल का बारूदा। मार्केट में इजीली मिल जाता है, कोई भी कप या कटोरी सेट कर लें, उसी से सारा मेजरमेंट आप करें। तो हमने नारियल का बारूदा ले लिया है इस कप से नाप कर। अब गैस पर रखेंगे हम एक कढ़ाई, और कढ़ाई को थोड़ा सा हमें गर्म कर लेना है। इसमें हम डाल देंगे 2 चम्मच भरकर देसी घी, बस 2 चम्मच ही डालेंगे, और इसमें जो नारियल का बारूदा हमने लिया है ना उसको डाल देंगे, और इसको लो फ्लेम पर हमें लगातार चलाते हुए रोस्ट कर लेना है। इसमें से अच्छी सी खुशबू आ जानी चाहिए और इसका कच्चापन निकल जाना चाहिए। घी हमें इसमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नारियल में अपना भी घी या ऑयल होता है। तो हमने इसको भून लिया है। अब इसमें हम डाल देंगे 1.5 कप भरकर दूध। यहाँ पर मैं फुल फैट दूध का यूज कर रही हूँ। इसको अच्छे से चलाते हुए इसको मिलाएंगे, भून लेंगे, ताकि जो दूध है वो नारियल का बारूदा अच्छे से अब्जॉर्ब कर ले। इस तरीके से देखिए हमारा ये मिक्स हो चुका है, क्योंकि इसने दूध को अच्छे से अब्जॉर्ब कर लिया है। आप ये काम लो फ्लेम पर ही करें, हाई फ्लेम पर बिल्कुल भी ना करें। अगर हाई फ्लेम पर करेंगे तो इसका कलर चेंज हो जाएगा। अब इसमें हम डाल देंगे 1 कप भरकर चीनी। चीनी का हमने यूज किया है, हम इसके लिए चाशनी नहीं बना रहे हैं, इसी में हम चीनी को डाल देंगे। चीनी पानी छोड़ेगी, तो हमें इसको तब तक पकाना है जब तक कि चीनी का जो पानी है ना वो अच्छे तरीके से सूख ना जाए। इस तरीके से देखिए चीनी का पानी लगभग लगभग सूख चुका है। अब हम इसमें डालेंगे बिल्कुल मावे वाले फ्लेवर के लिए 1/2 कप भरकर मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर आप कोई सा भी यूज कर सकती हैं, जो आपके पास हो उसको ले लें, किसी भी ब्रांड का। अब इसको अच्छे से मिलाएंगे, इसको तब तक हमें पकाना है जब तक कि ये पैन ना छोड़ने लगे, अच्छे तरीके से गाढ़ा ना हो जाए, जो इसमें मॉइस्चर है वो सूख ना जाए। हाथ को बिल्कुल भी ना रोके। ये देखिए हमने इसको अच्छे से भून लिया है, पका लिया है। अब इसको हम निकालेंगे एक बर्तन में, और इसको हमें थोड़ा ठंडा कर लेना है, ज़्यादा ठंडा ना करें, इतना ठंडा करें कि इसको हाथ से छू पाए, हल्के गुनगुना हो, तभी आप इसके लड्डू बांधकर तैयार करें। तो इस तरीके से हमने इसको थोड़ा सा ठंडा कर लिया है, हाथों में लेंगे थोड़ा सा मिक्स, और इस तरीके से गोल गोल घुमाते हुए लड्डू बनाकर तैयार कर लेंगे। देखिए कितना बढ़िया हमारा लड्डू बन रहा है ना, लग रहा है ना एकदम बिल्कुल मार्केट जैसा। अब इस पर हम कर देंगे थोड़ा सा जो नारियल का बारूदा है उसकी कोटिंग, और इस तरीके से सारे लड्डू बनाकर कर लेंगे तैयार। तो ये लीजिए इस तरीके से हमने सारे लड्डू बनाकर तैयार कर लिए हैं। देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं ना, देखने में आ रहा ना मुंह में पानी। तो इस तरीके से सारे लड्डू बनाकर हमने तैयार कर लिए हैं। यकीन मानिए इतने टेस्टी लड्डू है ना कि एक बार खाएंगे तो आप इसको खाते ही रह जाएंगे, बिल्कुल एकदम मुँह में घुलने वाले। देखिए मैं आपको तोड़ कर भी दिखा रही हूँ, वाह। तो इस तरीके से आप इस लड्डुओं को इस रक्षाबंधन पर ज़रूर बनाकर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी अगली रेसिपी को।
जो है ये मूंग की दाल के लड्डू। इनको बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है, बिना चाशनी के बनाएंगे, बहुत कम घी में बनाएंगे और बिना दाल को भिगोए बनाएंगे। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हैं, बहुत ही ज़्यादा हेल्दी हैं, इस तरीके से इन लड्डुओं को बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जिसके लिए हमने ली है 1.5 कप मूँग की दाल। तो मूँग की दाल को ना हमें भिगोना नहीं है, बस इसको हम कपड़े से अच्छे तरीके से साफ़ कर लेंगे, क्योंकि इस पर हल्की फुल्की डस्ट होती है। इसे नापने के लिए कोई कप या कटोरी आप मेजरमेंट के लिए ले लें, उसी से सारी मेजरिंग करें। तो दाल को हमने थोड़ा सा ना धुल लिया है, क्योंकि इस पर डस्ट होती है ना हल्की सी, इसको हटाने के लिए हमने इसको धुल लिया है। कपड़े पर इसको डाल देंगे और इसको दूसरे कपड़े की सहायता से अच्छे से पोंछ लेंगे, जितना हो सके इसका मॉइस्चर हमें उड़ा देना है। तो हमने इसको पोंछ लिया है, एक बाउल में निकाल लिया है, जितना हो सके इसको सुखा लिया है। तो अब हम लेंगे एक कढ़ाई और कढ़ाई को रख लेंगे गैस पर और इसको थोड़ा सा गर्म कर लेंगे। अब ये जो दाल हमने धुलकर रखी थी ना, इसको हम डाल देंगे कढ़ाई के अंदर। कोई घी या ऑयल नहीं डालना है, खाली दाल को डालेंगे और इसको लगातार चलाते हुए ना हम लो फ्लेम पर इसको भून लेंगे, ताकि इसका जो मॉइस्चर है वो ख़त्म हो जाए पूरे तरीके से और दाल हमारी सूख जाए, इसमें से अच्छी सी खुशबू आने लगे। देखिए, आप देख रहे होंगे धीरे धीरे चलाते हुए इसका सारा मॉइस्चर उड़ चुका है। इसको हमने अच्छे से सुखा लिया है, अब इसको बाउल में निकाल लेंगे और इसको पूरी तरीके से हमें कर लेना है ठंडा। ठंडा करने के बाद हम लेंगे मिक्सी का जार, जार के अंदर इसको डालेंगे और इसका पाउडर बना लेंगे। इस तरीके से दरदरा सा हमें इसका पाउडर बनाकर तैयार कर लेना है। बहुत ही आसानी से पिस जाती है। गैस पर रखेंगे एक कढ़ाई और कढ़ाई में हम डाल देंगे लगभग 2 चम्मच भरकर देसी घी। घी डाल देंगे और ये जो सारा दाल वाला हमने पाउडर बनाया है ना, इसको डाल देंगे। टोटल हमें 5 चम्मच घी का यूज करना है, जिसमें से हम 2 चम्मच डाल दिए हैं अभी, 3 चम्मच हमने बचा लिया है, आगे यूज करेंगे। अब इसको लगातार चलाते हुए तब तक भुनेंगे जब तक कि इसमें से अच्छी खुशबू ना आ जाए और ये खिला खिला ना हो जाए। ये देखिए, इस तरीके से हमने इसको लगातार चलाते हुए भून लिया है। इसको निकाल देंगे प्लेट में और इसको हमें पूरे तरीके से कर लेना है ठंडा। अब लेंगे एक मिक्सी का जार, क्योंकि हमें इसमें पीसना है गुड़ को और दाल को, तो हमने 1.5 कप यहाँ पर गुड़ का यूज किया है। आप चाहें तो चीनी का भी यूज कर सकती हैं, लेकिन हम इनको बहुत ही ज़्यादा हेल्दी बना रहे हैं, इसलिए गुड़ का यूज कर रहे हैं। अब सबसे पहले इसमें हमें डाल देना है दाल को, जो हमने भूनकर रखी थी ना, साथ ही में थोड़े से हमने लिए हैं बादाम, बादाम को डाल देंगे और ये जो गुड़ हमने लिया है ना 1.5 कप, इसको भी हम इसी के साथ डाल देंगे और इसका अच्छे से पाउडर बनाकर कर लेंगे तैयार। ये लीजिए, हमने इसको पाउडर बनाकर बाउल में निकाल लिया है, बहुत ही बढ़िया हमारा पाउडर बना है। थोड़े से बादाम इसमें और डाल देंगे, ये ऑप्शनल है, आपको पसंद हो तो डाल दें, नहीं तो इसको स्किप कर दें, या अपनी पसंद से कोई भी बादाम डाल सकती हैं। जो बचा हुआ घी था वो भी हमने इसमें डाल दिया है, 3 चम्मच जो बचाया था। अब इसको अच्छे से मिला लेंगे और इसका ऐसा मिक्स बनाएंगे जिससे कि लड्डू बनकर तैयार हो जाए। इस तरीके से देखिए, हम इसके लड्डू बनाकर करेंगे तैयार। देखिए, बहुत ही बढ़िया हमारा मिक्स बनकर तैयार हुआ है, जिससे कि लड्डू भी बहुत ही बढ़िया बनकर तैयार हो रहे हैं। ये देखिए, आप देख पा रहे होंगे कितने बढ़िया हमारे लड्डू बन रहे हैं। तो इस तरीके से सारे लड्डू हमें बनाकर रख लेने हैं प्लेट में। तो सारे लड्डू हमने बना लिए हैं, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छे हमारे लड्डू बनकर तैयार हुए हैं। और आपने देखा इनको बनाना कितना आसान है, ना तो इसमें चाशनी का डर है, क्योंकि चाशनी एक तार की बनाए या दो तार की बनाए, बस यही डर रहता है, वो डर भी इसमें नहीं है। बहुत ही आसानी से लड्डू बनकर तैयार हो जाते हैं। तो इस रक्षाबंधन आप इन लड्डुओं को एक बार ट्राई जरूर करना, मुझे उम्मीद है आपको पसंद आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी अगली रेसिपी को, जो है ये मखाने के लड्डू। सुपर टेस्टी, सुपर हेल्दी, बहुत ही बढ़िया, सबको पसंद आने वाले लड्डू हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है और टेस्ट इनका बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लगता है। तो इन लड्डुओं को बनाना तो ज़रूर बनता है। तो चलिए शुरू करते हैं इन लड्डुओं को बनाना। जिसके लिए हमें लेना है सबसे पहले 80 ग्राम मखाने। आप कप से भी नाप सकती हैं, कप से मतलब नापे तो हमने 2 कप भरकर ये मखाने यूज किए हैं। मखाने आप कोई भी ले सकते हैं, इनको फूल मखाना भी बोला जाता है, कहीं कहीं पर लोटस सीड भी बोला जाता है। तो मखानों को हमने ले लिया है। अब हमें रखनी है गैस पर एक कढ़ाई। तो कढ़ाई में हमें घी या ऑयल कुछ भी नहीं डालना है अभी, केवल कढ़ाई को रखेंगे, हल्का सा गर्म करेंगे और इसमें ये सारे मखाने हमें डाल देने हैं। देखिए, सारे मखाने हमने डाल दिए हैं। अब इसको लगातार चलाते हुए ना हमें ड्राई रोस्ट करना है, क्योंकि इनमें ना नमी हो जाती है रखे रखे, तो हमें वो नमी ख़त्म करनी है बिल्कुल हाथों से। देखिए, हम जब इसको क्रश कर रहे हैं, ये क्रश हो जा रहे हैं, तो बस इतना ही हमें इनको ड्राई रोस्ट करना है। अब हम इनको निकाल लेंगे एक बाउल के अंदर और इनको ना हमें पूरे तरीके से ठंडा करना है। अब लेंगे एक मिक्सी का जार और ये सारे मखाने जार के अंदर डाल देंगे और इनका ना हमें एक पाउडर बनाकर तैयार कर लेना है। ध्यान रहे, ठंडा करने के बाद ही आप यूज करें। ये देखिए, हमने इनका पाउडर बनाकर कर लिया है तैयार। अब थोड़े से हमने नट्स लिए हैं, जिसमें कि बादाम है, थोड़े से पिस्ता है, इनको हम डाल देंगे। साथ ही में 1/2 कप डाल देंगे हम नारियल का बारूदा। इससे बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आएगा, बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा, खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेंगे लड्डू। इनको भी हमने पीस लिया है और इनको बाउल में निकाल लिया है। अब लेंगे एक
कढ़ाई और कढ़ाई में डालेंगे हम दूध। दूध यहाँ पर हमें 2 कप भरकर यूज करना है, फुल फैट दूध का मैं यूज कर रही हूँ। साथ ही में इसमें हम डाल देंगे 1/2 कप चीनी। तो दूध यहाँ पर आप फुल फैट यूज करें, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। इलायची का पाउडर डाल देंगे और इसमें उबाल आने देंगे। ये देखिए दूध में बहुत ही बढ़िया उबाल आ गया है। अब ये जो सारा मिक्स हमने बनाया ना मखाना वाला, ये हम डाल देंगे इसी दूध के अंदर और इसको लगातार चलाते हुए हमें दूध को पूरी तरीके से सूखने तक पका लेना है, जब तक कि ये पैन ना छोड़ने लगे। ध्यान रहे हाथ को बिल्कुल भी ना रोके और गैस की फ्लेम को हाई बिल्कुल भी ना करें। ये देखिए हमने इसको लगातार चलाते हुए लो फ्लेम पर पका लिया है। बहुत ही बढ़िया इसका डोसा बन गया है, लग रहा है ना बिल्कुल एकदम जैसे कि मावा हो, बहुत ही बढ़िया लगते हैं खाने में। तो इस तरीके से हमने इसको पका लिया। इसको बाउल में निकाल कर ठंडा कर लेंगे। अब लेंगे एक खाली बाउल, खाली बाउल के अंदर हम डालेंगे थोड़े से बादाम जिनको हमने बारीक बारीक कट कर लिया है, थोड़े से लिए हैं किशमिश इसमें इसको भी हमने कट कर लिया है। साथ ही में थोड़े से पिस्ता डाल देंगे बारीक कटे हुए। इसमें डालेंगे हम 3 से 4 चम्मच भरकर मिल्क पाउडर, अच्छे से इसको डाल देंगे और इसमें डालेंगे 3 चम्मच भरकर नारियल का बारूदा। अब ये केसर वाला हमने दूध लिया है, दूध को हमें एक साथ नहीं डालना है, एक एक चम्मच कर इसमें डालेंगे और इसकी एक हल्की सी चिपचिपी सी चाशनी वो स्टफिंग बनाकर करेंगे तैयार। ये देखिए इस तरीके से थोड़ा सा डाल देंगे इसमें चीनी का पाउडर इसको मीठा करने के लिए, सारा दूध एक साथ ना डालें नहीं तो ये चिपचिपी हो जाएगी। अब देखेंगे अपना डो जो हमने बनाया मखानों वाला ठंडा हो गया है, थोड़ा थोड़ा इसमें से लेंगे डो, छोटी सी इसकी लोई सी बनाएंगे इस तरीके से जैसे हम रोटी बनाते हैं, बीच में इसमें जगह बनाएंगे और ये जो हमने स्टफिंग बनाई है ना इसको हम लेंगे थोड़ी सी और इसके बीच में रख देंगे इस तरीके से और इसको बंद करते हुए इसको दे देंगे लड्डू का आकार। बहुत ही आसानी से बन जाता है, देखिए हाथों पर बिल्कुल भी नहीं चिपक रहा। अब जो नारियल का बारूद हमने थोड़ा सा लिया है ना उसको इस पर अच्छे से कोटिंग कर देंगे और ये लीजिए देखिए कितना बढ़िया हमारा लड्डू बनकर तैयार हुआ है। इसी तरीके से सारे लड्डू हमें बनाकर प्लेट में रख लेने हैं। लीजिए सारे लड्डू हमने बनाकर तैयार कर लिए हैं। आपने देखा बनाना कितना आसान है, बहुत ही जल्दी बन जाता है। बिगनर्स भी इनको बड़ी आसानी से बना सकते हैं, जिन्होंने कभी मिठाई बनाई ही ना हो तुरंत इसको बनाकर तैयार कर सकते हैं। बहुत ही आसान है, बहुत ही टेस्टी है, बहुत ही हेल्दी है। तो चलिए अब शुरू करते हैं अपनी अगली रेसिपी को, जो है ये मिल्क पाउडर के लड्डू। देखने में बहुत ही ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं, खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। ना तो इसमें हम मावा यूज करेंगे, ना ही कोई पनीर यूज करेंगे, केवल इनको हम बनाएंगे मिल्क पाउडर से और इतने टेस्टी ये लड्डू बनकर तैयार होंगे कि जिसको भी खिलाएंगे उसको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं इन लड्डुओं को बनाना, जिसके लिए हमने लिया है 2 कप भरकर मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर आप यहाँ पर कोई भी ले सकती हैं। 1/2 कप हमने दूध लिया है, 3 चम्मच भरकर हमने लिया है कंडेंस मिल्क, 2 से 3 चम्मच ही हमने लिया है नारियल का बारूद, 1/2 कप हमने ली है चीनी का पाउडर। चीनी को हमने ग्राइंडिंग जार में डालकर पीस लिया था। अब गैस पर रखेंगे एक कढ़ाई, कढ़ाई को हमें थोड़ा सा सुखा लेना है, थोड़ा सा इसको गर्म कर लेना है। अब इसमें हम डालेंगे लगभग 1 चम्मच भरकर देसी घी। देसी घी का ही आप यूज करें, इसमें कोई बटर या तेल का यूज ना करें, देसी घी में ही बहुत अच्छे ये लड्डू बनकर तैयार होंगे। अब जो हमने दूध लिया था ना 1/2 कप, वो दूध हम इसके अंदर डाल देंगे। देखिए सारा दूध हमने डाल दिया है, इसको अच्छे से चलाते रहेंगे और इसमें उबाल आने देंगे। बहुत बढ़िया, जब इसमें उबाल आ जाएगा तब हम इसमें डालेंगे ये जो हमने मिल्क पाउडर लिया है ना 2 कप भरकर, इसको डाल देंगे और इसको लगातार चलाते हुए हमें पकाना है। तो बढ़िया तरीके से गैस की फ्लेम को हाई बिल्कुल भी ना करें, लो फ्लेम पर ही ये काम करें। जो हमने नारियल का बारूदा लिया था उसको भी डाल देंगे और सभी चीज़ों को अच्छे से मिलाते हुए पकाएंगे। थोड़ा सा डाल देंगे इलायची का पाउडर अच्छे फ्लेवर के लिए। आपको पसंद ना हो तो आप इसको स्किप कर सकती हैं, इसकी जगह पर आप वनीला एसेंस वगैरह होता है ना उसको भी डाल सकती हैं। अब जो हमने चीनी ली थी चीनी को भी इसी के साथ में डाल देंगे। अब क्योंकि मिल्क पाउडर गर्म है तो चीनी अपना पानी छोड़ेगी, साथ ही में इसमें हम डाल देंगे कंडेंस मिल्क और सभी चीज़ों को ना हमें लगातार चलाते हुए लो फ्लेम पर अच्छे से पका लेना है ताकि जो सारी चीज़ें ना एक दूसरे के साथ अच्छे से मिक्स हो जाए। कुछ इस तरीके से ये देखिए सारी चीज़ों को हमने बहुत बढ़िया तरीके से पका लिया है, बहुत ही बढ़िया हमारा ये मिक्स बनकर तैयार हुआ है। अब इसमें हम कलर के लिए डाल देंगे थोड़ा सा रेड फूड कलर, ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसको डालें या फिर आप इसको बिना फूड कलर के भी बना सकती हैं। ऐसे ही वाइट भी बहुत अच्छे लगते हैं ये, बस कलर से ना थोड़े देखने में अट्रैक्टिव से लगते हैं तो इनको खाने का बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। तो इस तरीके से डाल लेंगे और इसको कलर के साथ अच्छे से मिला लेंगे ताकि जो कलर है ना वो पूरे मिक्स में अच्छे से मिल जाए। तो इस तरीके से देखिए हमने इसको बहुत बढ़िया तरीके से मिला लिया है और देखिए आपने देखा कि घी का हमने 1 चम्मच ही यूज किया है, ज़्यादा घी यूज नहीं किया है। अब थोड़े से इसमें डाल देंगे नट्स और नट्स को भी इसके साथ में अच्छे से मिला लेंगे बहुत बढ़िया तरीके से। ये देखिए इसने पैन छोड़ने लगा है, बहुत ही बढ़िया हमारा मिक्स बनकर तैयार हुआ है। इसको हम निकाल लेंगे एक बाउल के अंदर और इसको बाउल के अंदर निकालने के बाद ना पूरे तरीके से इसको ठंडा करेंगे।
लेंगे, ठंडा करने के बाद ही हम इसके लड्डू बनाएंगे। गरम गरम के आप बिल्कुल भी ना बनाएं, इसको ढक कर रख दें थोड़ी देर के लिए और इसको ठंडा कर लें। इस तरीके से देखिए हमने इसको कर लिया है ठंडा। अब हाथों को हम करेंगे घी से थोड़ा सा ग्रीस, क्योंकि ये हाथों पर चिपकेगा इसलिए थोड़ा सा हमें घी लगा लेना है। और इस तरीके से थोड़ा थोड़ा लेंगे मिक्स और गोल गोल हाथों से दबाते हुए इसके लड्डू बनाकर तैयार करेंगे। ये देखिए इस तरीके से जैसे मैं बना रही हूँ, देखिए कितना बढ़िया लड्डू बनकर तैयार हुआ है। क्योंकि मिक्स बहुत बढ़िया बना है हमारा, इसलिए लड्डू भी बहुत ही बढ़िया बनकर तैयार हो रहे हैं। तो इसी तरीके से सारे लड्डू हमने बनाकर कर लिए हैं तैयार। देखिए कितने बढ़िया लड्डू लग रहे हैं देखने में, बिल्कुल ऐसे लग रहे हैं जैसे कि बेसन के लड्डू हो, लेकिन कोई बताएगा नहीं कि ये मिल्क पाउडर के लड्डू हैं। देखने से बहुत ही बढ़िया लग रहे हैं, खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। और आपने देखा बनाने में कितना आसान है, ना तो इसमें चाशनी बनानी है ना इसको घंटों तक पकाना है, बहुत ही बढ़िया है, जल्दी बनकर तैयार हो जाते हैं। इसको बिगनर्स भी बड़ी आसानी से बना सकते हैं। और इस तरीके से आप इसको इस रक्षाबंधन पर बनाकर ज़रूर देखना। मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये सारी रेसिपीज़ पसंद आएगी। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा लें। तो मिलेंगे एक और नई रेसिपी के साथ, नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।